हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए ट्रिक बताने वाला हूँ। आज हम हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्रिक का नाम जो है वो है द बिंदु ट्रिक या फिर डॉट ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कि कौन सा ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट है उसमें कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि बेरिलियम में ये जो ग्रुप है बेरिलियम वाला, और इसमें जितने भी एलिमेंट है नीचे तक उनमें कितने वैलेंस शेल होते हैं, दो। फिर बोरॉन फैमिली उसमें तीन, कार्बन फैमिली चार, नाइट्रोजन फैमिली पांच, ऑक्सीजन फैमिली छह, फिर हेलोजन सात और नोबल गैस में आठ, याद रखना है। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है, डबल में भी एक सिग्मा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें कितना होता है, एक सिग्मा होता है, तीनों में ही एक एक सिग्मा होता है। ठीक है, और उसके बाद में मैं क्या, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जेड मतलब टोटल, टोटल जो नंबर निकालूंगा मैं वो कितना है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक है, अब ये जो टोटल जो निकलेगा, ये जो नंबर निकलेगा उसको हम यहाँ पर काउंट करना है। टोटल अगर निकला टू तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, टोटल निकला तीन तो sp2, चार sp3, पांच sp3d, छह sp3d2 और सात sp3d3, और ऐसे नीचे तक चलता रहेगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझ लेंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं, वो है CH4 का। ठीक है, मीथेन का ले लेता हूं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है, जो सेंट्रल एटम होता है कोई भी मॉलिक्यूल में लूंगा, उस सेंट्रल एटम में ये देखना है सबसे पहले कि कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे उतने आप डॉट बना दो उसके आसपास, उतने ही आप क्या बना दो, बिंदु बना दो उसके आसपास। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन यह क्या है, सेंट्रल एटम, तो कार्बन के आसपास देखो कार्बन में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, चार, तो मैं क्या करता हूँ, चार यहाँ पर क्या बना दूंगा, चार यहाँ पर बिंदु बना दिए। अब देखिए चार, चार जो है यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से हमेशा रखना, कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, तो एक दो तीन चार, ये क्या अटैच हो गए, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब हमें क्या करना है, देखना है कि सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा होता है। ठीक है, तो कितनी सिग्मा हो गई, एक ये सिग्मा, एक ये और एक ये सिग्मा, सिग्मा काउंट कर लिया। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या होगा, जेड इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो भाई आप ये बताइए कि सिग्मा कितनी है पर, चार, लोन पेयर कोई दिख रहा क्या, कार्बन के पास कभी लोन पेयर नहीं होता, याद रखना, जीरो, तो क्या हो गया, चार, चार देखो कहां रहा है, sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी दो तीन एग्जाम्पल के बाद में आप बहुत स्पीड से करने लगेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, एक और चीज आप ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन हमेशा सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। कौन से बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। उसके बाद में हेलोजन अगर है तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। अगर मैंने बोल दिया ऑक्सीजन तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से। नाइट्रोजन अगर है तो ये कैसे जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड से। आयसन में ये आपको याद रखना ही है मुझे। ठीक है, अब हम एग्जांपल की बात करते हैं, दूसरे एग्जांपल की। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, वो है अमोनिया। ठीक है, क्या ले लिया मैंने, अमोनिया। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, नाइट्रोजन में देख, सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में देखिए कि इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ कितने दिख गए, पांच, एक दो तीन चार पांच, में पांच जोड़ा कहीं भी बना दो। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन कितने हैं, तीन हैं, और हाइड्रोजन अभी बोला मैंने क्या, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, तो क्या करना है, तीन हाइड्रोजन जोड़ दो, ये ऐसे। ठीक है, ये हाइड्रोजन से जोड़ दिए। अब लोन पेयर कितना रह गया, एक लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर को लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर, फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, जेड इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा कितना हो गया, एक दो तीन प्लस लोन पेयर वन, फोर, फोर कहां आ गया, sp3। आया समझ में कि नहीं आया,
अब देखिए अगले एग्जांपल से मैं ऐसे नहीं करूंगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम डायरेक्ट डॉट बना देंगे, एक दो तीन चार पांच, और देखो हाइड्रोजन भी जोड़ेंगे इसे, ये ऐसे किया मतलब अंडरस्टूड हो गया कि देखो इसमें कौन है, हाइड्रोजन ही है ना, तो पहले से ऐसे मानेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये लोन पेयर हो गया। तो क्या हो गया, एक दो तीन और एक इसको गिना तो चार, एसपी थ्री हो गया। आया समझ में, लोन पेयर उसको एक काउंट करना है, ठीक है, क्या करना है देखो ना फॉर्मूला का है, प्लस लोन पेयर, जितने लोन पेयर उतने जोड़ दो, ठीक है, ये हो गया। अब हम और एग्जांपल्स कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम में हमें क्विक चाहिए, क्विक क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमें, ठीक है, बना के नहीं देखना, जल्दी जल्दी करना है। अब आप करिए साथ में, जैसे कि वाटर, ठीक है, H2O है। अब H2O में क्या करना है हमें, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इसमें वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, छह, कितने हैं छह, एक दो तीन चार पांच, पांच और छह, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है। अब दो हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से, तो ये और ये कोई से भी जोड़ दो आप, ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन हो गए, चलो एक बार और जोड़ देता हूं, ठीक है। अब देखो लोन पेयर कितने बचे, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, मैं यहां पे बना लेता हूं पास में, ठीक है, तो देखो एक लोन पेयर, तो ये दो लोन पेयर आ जाएगा, कितने हो गए, दो लोन पेयर। जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा कितने हो गए, एक सिग्मा दो सिग्मा, प्लस लोन पेयर कितना, दो, कितना हो गया चार, तो ये क्या हो जाएगा चार, एसपी थ्री, आया समझ में। अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं, अब एग्जांपल और देखते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया BeCl2, क्या ले लिया BeCl2, तो देखो सेंट्रल एटम बेरिलियम, देखो बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो, तो क्या कर दिया मैंने, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, आया समझ में। और क्लोरीन है, क्लोरीन कितने है ग्रुप में, इसमें मॉलिक्यूल में दो, जो हेलोजन है वो कौन सी बॉन्ड से जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से, एक बॉन्ड से इधर जोड़ा, एक से इधर जोड़ा, आया समझ में। तो क्या हो गया, एक सिग्मा ये बनाएगा, एक सिग्मा बनाएगा, लोन पेयर तो है ही नहीं, लोन पेयर नहीं है तो फिर जेड की वैल्यू क्या जाएगी, टू प्लस जीरो, लोन पेयर जीरो, सिग्मा कितना, टू, तो क्या है टू, देखो टू क्या है, एसपी, आया समझ में, ठीक है। अब हम देखते हैं पांचवा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल करना है, ठीक है, हमने देख लिया BF3, ठीक है, BF3 बोरोन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने है? जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उतनी ही डॉट बनाना है, जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उतने ही डॉट बनाना है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर बोरोन में, तीन, एक दो तीन, ठीक है। अब फ्लोरीन, फ्लोरीन है तो हेलोजन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो तीन फ्लोरीन है, एक दो तीन, ऐसे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आप बनाने मत बैठना, आपको बस क्या करना है, भैया तीन होते हैं, एक दो तीन, और फ्लोरीन को ऐसे जोड़ना है, अब लिखने मत बैठना फ्लोरीन में, नहीं ऐसे हो गया बहुत है, गिन लिया, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा खत्म, लोन पेयर नहीं है, कितना हो गया देखते हैं अभी, जेड इज इक्वल टू सिग्मा कितनी होगी, एक दो तीन प्लस जीरो तीन, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीन 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 एसपी टू, ठीक है। और एग्जांपल देखेंगे हम, बहुत सारे एग्जांपल देखना आज। अब अगला एग्जांपल क्या हो गया, अगला एग्जांपल हम ले लेंगे PCl5, ठीक है, सेंट्रल एटम फॉस्फरस, सेंट्रल एटम क्या हो गया फॉस्फरस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें फास्फोरस में, पांच होंगे, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, नाइट्रोजन का कितना है पांच, तो नाइट्रोजन फैमिली में जो मेंबर है उन सबके कितने हो जाएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, पांच, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, डॉट आप कहीं भी कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, आसपास बनाना लेकिन, ठीक है। तो फिर क्या है कि क्लोरीन, क्लोरीन को जोड़ेंगे हम, हेलोजन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं सेंट्रल एटम से, तो क्लोरीन हम जोड़ देते हैं, एक दो तीन चार पांच, अब यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन लिखूंगा, उससे नहीं, हमें शॉर्ट करना है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा क्या, सिग्मा प्लस लोन पेयर, देखो ये लोन पेयर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है लोन पेयर, देखो ना यहाँ क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, सब वैलेंसी फुल तो हो गई, कुछ बचे ही नहीं है, लोन पेयर तो जब बचते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचेंगे वैलेंसी बचेगी, यहाँ तो पूरी फुलफिल हो गई है, ठीक है। तो सिग्मा कितना जाएगा, एक दो तीन चार पांच, तो फाइव प्लस जीरो फाइव,
तो पांच जो है किधर आता है, पांच टोटल पांच आता है एसपी थ्री डी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन, आया समझ में। इसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल, वो हो जाएगा आप करिए पीएफ टू सी एल थ्री, किसका करिए पीएफ टू सी एल थ्री, पीएफ टू सी एल थ्री फॉस्फरस, इसकी वैलेंसी कितनी बताई मैंने अभी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें पांच, एक दो तीन चार पांच, आया समझ में। अब देखो जो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ही हेलोजन है, दोनों ही सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, अब हम क्या करेंगे कोई में भी इनको जोड़ देंगे, कैसे, तीन क्लोरीन जोड़ दो, एक दो तीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, दो फ्लोरीन, एक दो, ये ऐसे, आया समझ में। हमें ये नहीं देखना है कि शेप क्या है, स्ट्रक्चर कैसे, हमें बस हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक हम देख रहे हैं, ठीक है, और कोई ऐसा देखना है कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नहीं, ये बस ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कौन सी ट्रिक है, द बिंदु ट्रिक। तो पांच हो गया, फॉर्मूला क्या है, जेड इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, देखो यार लोन पेयर तो है ही नहीं, तो लोन पेयर तो हो गया जीरो, सिग्मा कितना है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, तो पांच प्लस जीरो इक्वल टू पांच, और पांच क्या हो जाता है एसपी थ्री डी, ऐसे में ये हो गया। अब इसके बाद में हमें देखना है वो है एसएफ फोर, सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम है सल्फर, सल्फर जो है प्रेडिक्टेबल में कहाँ आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है, ठीक है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है, तो ऑक्सीजन का कितना है छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर का कितना हो जाएगा छह हो जाएगा, तो छह क्या कर दो डॉट, छह ही डॉट बना दो, एक दो तीन चार पांच छह, फ्लोरीन है चार फ्लोरीन को जोड़ दो, एक दो तीन चार, ठीक है, हो गया। समझ में, समझाने के लिए मैं फ्लोरीन यहां लगा देता हूं, ठीक है, आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो यहां पर कितनी वैलेंसी, चार वैलेंसी फुल हो गई और दो इलेक्ट्रॉन बच गए, इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया, तो इसको बोल दिया हमने लोन पेयर, जेड इज इक्वल टू हो गया हमारे पास क्या, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा हो गया हमारे पास एक दो तीन चार प्लस वन लोन पेयर फाइव, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा पांच पाया जाता है एसपी थ्री डी, आया समझ में। इसके बाद में हमारे पास एग्जांपल होगा वो हो जाएगा एसएफ सिक्स, क्या हो जाएगा एसएफ सिक्स, सल्फर है, सल्फर के पास वापस से कितने छह, एक दो तीन चार पांच छह, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इनको कैसे डॉट के रूप में बना दिया। अब फ्लोरीन कितने छह, एक दो तीन चार पांच छह, छह आ गए, ठीक है, और छह में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक लोन पेयर बचे क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन बचे क्या, नहीं बचे, तो एक सिग्मा दो तीन चार पांच छह सिग्मा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जेड इज इक्वल टू सिग्मा कितनी है छह प्लस जीरो, छह प्लस जीरो क्योंकि लोन पेयर नहीं है, तो आया सिक्स, तो सिक्स क्या जाएगा एसपी थ्री डी टू, आया समझ में, इसका हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो हो जाएगा XeF2, ठीक है, ज़ेनॉन। तो देखो ज़ेनॉन जो है ये नोबल गैस का एलिमेंट है, और नोबल गैस जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, ठीक है, तो 8 हम क्या करते हैं यहां पर बिंदु बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब फ्लोरीन है, हैलोजन है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो दो है, तो ये हमने दो इस तरह से जोड़ देंगे। अभी फ्लोरीन में जोड़ रहा हूँ ना, मैं जो जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास, डायरेक्ट डंडे खींचो खत्म बात। अब देखो लोन पेयर कितने रह गए यहाँ पर, एक दो तीन, तो देखो जेड की वैल्यू निकालेंगे हम, लोन पेयर कितने यहाँ पर, लोन पेयर जो है ये हो जाएंगे तीन, ठीक है, और ये सिग्मा कितने जाएंगे दो, ठीक है, टोटल कितना हुआ पांच, पांच का आता है एसपी थ्री डी, आया समझ में, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वो हो जाएगा HCF4, ठीक है, HCF4 जो है वापस ज़ेनॉन, आठ बना दो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है, फ्लोरीन कितने चार, एक दो तीन चार, आया समझ में, तो एक सिग्मा दो तीन चार, लोन पेयर कितने एक दो, ठीक है। तो क्या करना है हमें, जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा कितने हो गए चार प्लस लोन पेयर कितने हो गए दो, कितना आया छः, छः मतलब एसपी थ्री डी टू, आया समझ में कि नहीं आया, आ गया होगा। अब हम देखते हैं, अब यहाँ क्या, एक सी एफ सिक्स, एक सी एफ सिक्स,
जो जेनन है इसमें क्या करते हैं कि जेनन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है जेनन में मींस नोबल गैस में वो होते हैं 8, ठीक है 8 है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 8 डॉट बना रहे हैं। फ्लोरीन है यहाँ पर 6 और फ्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन और एक लोन पेयर। जेड की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, कितना है सिग्मा 1 2 3 4 5 6 तो 6 प्लस 1 लोन पेयर 7 जो है sp3d3, ठीक है ये आप याद रखना। मैं आपको बता दूं नीट में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन से क्वेश्चन की बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन की बोल रहा हूं मैं xcf2 xcf4 और xcf6, इन तीनों का आपको डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, क्या आता है इसका आएगा क्या sp3d, इसका आएगा sp3d2 और इसका हो जाएगा sp3d3, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट आता है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है वहां पर नंबरिंग सही कर लेना। 13वां तो इसका हम देख लेते जैसे कि ICl2+, ठीक है अब इस तरह क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है जैसा कि मैंने बताया था आपको एक वीडियो में पहले कि अगर प्लस चार्ज लगता है, ठीक है कोई भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज लगता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गए हैं, प्लस 1 चार्ज मींस 1 इलेक्ट्रॉन गया है, प्लस 2 चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है इस तरह से कर लेंगे हम। अब यहां पर सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन, सेंट्रल एटम क्या है आयोडीन, तो आयोडीन के पास आयोडीन क्या है हैलोजन है, तो इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने 7 होते हैं, लेकिन यहां पर एक चला गया तो मैं अब डॉट कितने बनाऊंगा 6 आयसम 1 2 3 4 5 6 आया समझ में, देखो क्या था आयोडीन है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 लेकिन एक चला गया, क्यों क्योंकि प्लस चार्ज लग रहा है 1 प्लस चार्ज, तो क्या हो गया एक कम हो गया तो 6 डॉट बनाई मैंने, ये आप ध्यान रखना। अगर यहां ऐसा होता ICl2- तो फिर क्या होता हमारे पास डॉट जो बनते हो जाते कितने 7 की जगह 8, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है ऐड हो जाता है, आया समझ में आपको। अब क्या करेंगे क्लोरीन कितने हैं 2 क्लोरीन 1 2, लोन पेयर कितने बचे 1 2, तो हम क्या करें जेड का फॉर्मूला लगाएंगे और क्या जाएगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इज इक्वल टू 4 4 मींस sp3, आया समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा 14 H3O+, इसका निकालते हैं आप निकालिए कॉपी में, ठीक है ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के पास कितना होता है ऑक्सीजन जो है इसके पास में होता है 6 लेकिन एक चला गया तो होगा कितने 5 1 2 3 4 5, ठीक है 3 हाइड्रोजन है 1 2 3, हाइड्रोजन में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, जेड इज इक्वल टू 3 सिग्मा + 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 4 sp3, आया समझ में। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है 15 एग्जांपल है वो जाएगा NO2+, ठीक है इसका करते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास होते कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 लेकिन एक चला गया प्लस है तो चला गया, ठीक है तो क्या करेंगे हम 5 की जगह हम बनाएंगे 4 1 2 3 4, क्या बनाए डॉट बिंदु, ठीक है तो क्या करेंगे फिर ऑक्सीजन, अब देखिए मैंने बोला था ऑक्सीजन जब आए तो सेंट्रल एटम से जुड़ता है कौन सी बॉन्ड से डबल बॉन्ड से हमेशा, ठीक है तो 2 ऑक्सीजन है तो यहां पर क्या आएगा इस तरह से हम ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ठीक है ये ऑक्सीजन जुड़ गया। अब देखो तो हम गिनेंगे क्या डबल बॉन्ड को, क्या डबल बॉन्ड में सिग्मा कितनी होती है एक ही सिग्मा होती है तो एक ही सिग्मा होती है यहां पर, यहां पर भी एक सिग्मा, लोन पेयर तो है ही नहीं, ठीक है तो क्या करेंगे जेड इज इक्वल टू सिग्मा कितनी होगी 2 प्लस लोन पेयर 0 2, तो यहां पर क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, देखो sp। अब इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे देखो एग्जाम में आना, तो देखो नाइट्रोजन है तो क्या हो गया 5 होते हैं, 5 में से एक चला गया तो बचे कितने 4 1 2 3 4, अब क्या हो गया कि ऑक्सीजन जोड़ना है कितनी 2 डबल बॉन्ड से जोड़ना है तो इस तरह से कर दो खत्म बात, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ऑक्सीजन कहां तक लगा हुआ इतना टाइम थोड़ी हमारे पास, ठीक है हो गया खत्म। इसके बाद हम लेंगे किसका एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लेते हैं वो जाएगा NO2-, ठीक है नाइट्रोजन। अब देखो
नाइट्रोजन है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, माइनस 1, एक और जुड़ गया, कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितने है 2, तो डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे 1 और ये 2, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर बचा। तो जेड का क्या हो जाएगा भैया, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा यहां, 1 सिग्मा यहां, क्योंकि डबल बॉन्ड में बस और बस एक सिग्मा होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 3, 3 माने sp2। आया समझ में, आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अब देखेंगे 17वां एग्जांपल। तो हम क्या देखते हैं, NO3-, ठीक है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन इसमें क्या हो गया, 5 थे, एक और इसमें भी ऐड हुआ है तो 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद 6 हो गए, ऑक्सीजन कितने, 3, तो तीनों ही कितने डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, 1 2 और ये 3। आया समझ में, तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, आया समझ में। कैसे करते, डायरेक्ट करना होता तो 1 2 3 4 और 5 6, और एक इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा, और एक इससे, 1 2 3, 3 सिग्मा। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 0, लोन पेयर कहाँ आया, पर 3, 3 मतलब sp2। आया समझ में क्या, नहीं आया। अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया icl2-, जैसे कि एक बार अभी मैंने एग्जांपल कराया था icl2+, अभी उल्टा हो गया, मतलब माइनस आ गया इसमें। आयोडीन बनाया, अब आयोडीन है तो आयोडीन कितना होता है, 7, लेकिन एक और ऐड हो गया तो 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्लोरीन कितने, 2, ये 1, ये 2, ठीक है, लोन पेयर 1 2 3। तो जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा, 1 ये सिग्मा, 1 ये सिग्मा, प्लस लोन पेयर 3 5, इसका क्या हो जाएगा, sp3d। ऐसा में 5 हो ना, देखो 5 sp3d, ऐसा में। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वो हो जाएगा NH4+, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन है, अब इसमें क्या हुआ, 1 चला गया, होते कितने हैं, 5, अब क्या हो जाएंगे, 4 बिंदु लगेंगे, 1 2 3 4, लग गए 4 बिंदु। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा 1 1 1, 4 हो गए। Z=4+0, क्योंकि लोन पे है ही नहीं, तो 4 मीन्स sp3। आया समझ में ये वाला, ठीक है, sp3 हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, आज बहुत एग्जांपल कराने वाला हूं मैं आपको, दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। NH2+ ले लो, NH2+ नाइट्रोजन क्या हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन पास होता है 5, लेकिन एक चला गया तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, पिछले एग्जांपल कितने थे, 4, 1 2, आया समझ में भाई लोग। और यहां पर क्या है, एक लोन पेयर रह गया, तो क्या हो जाएगा, जेड का फॉर्मूला 2 सिग्मा + 1 लोन पेयर = 3, मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। आया समझ में, XeO3, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, जैसे कि ज़ेनॉन है, इसमें कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, 8 होता है, मींस 8 डॉट बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो तीनों ही डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, एक बार तो इससे, एक इससे जोड़ा, 2 2 3, अब एक लोन पेयर बच गया है, ठीक है। और ऐसे करते तो क्या आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 शॉर्ट में, 1 2 और एक लोन पेयर गया, तो क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा 2 3 और एक लोन पेयर 4 4, मीन्स क्या हो जाएगा, sp3। करके देखते हैं, Z=σ कितने हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, प्लस लोन पेयर कितना, 1 4, मीन्स sp3। आया समझ में। अब हम और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की कमी नहीं है, ठीक है। अगर ये एग्जांपल भी कम पड़े तो कमेंट में बता देना, और एग्जांपल ले आऊंगा मैं। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है N3-, और उसके बाद हम देखेंगे Br3-, ठीक है। अब N3- और Br3- यहां पर क्या है कि सेंट्रल एटम
और जो बाकी के आइटम वो सब सेम है, तो हम किसी एक को मान लेंगे सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन को मान लिया यहाँ पर। अब नाइट्रोजन इसमें कितने होते हैं, पांच होते हैं क्या, विलय छह इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, एक और एक्स्ट्रा है तो छह हो जाएंगे, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन, छह हो गए। अब नाइट्रोजन दो है, तो मैंने पहले आपको बताया था इनिशियल में कि नाइट्रोजन जो है हमेशा सेंट्रल एटम से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है, तो एक दो तीन से ये नाइट्रोजन जुड़ गया, एक दो तीन से ये नाइट्रोजन इधर जुड़ गया, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होती है, एक ही सिग्मा होती है, तो वन सिग्मा वन सिग्मा आया समझ में, और जेड का फॉर्मूला हम लगा देंगे, लोन पे तो यहाँ है नहीं, तो जेड का फॉर्मूला लगाएंगे, टू सिग्मा प्लस जीरो इज इक्वल टू टू मीन्स एस पी, आया समझ में। उसके बाद हम देखते हैं बी आर थ्री माइनस का। अब ब्रोमीन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सेवन, ठीक है, अब यहाँ पर एक और आ गया माइनस, तो कितने हो गए, आठ, ठीक है, तो ये ब्रोमीन बना दिया मैंने। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, जुड़ेगा क्यों, क्योंकि जो हमारे पास हेलोजन होते हैं वो हमेशा सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ कितना बना दूं मैं, आठ, आठ बिंदी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, क्योंकि सात पहले से थी, एक और एड हो गई। अब यहाँ दो ब्रोमीन और है, तो दो ब्रोमीन को हमने इस तरह से जोड़ दिया, आया समझ में। और कितने लोन पेयर रह गए, तीन लोन पेयर हो गए, ठीक है, तीन लोन पेयर हो गए, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, टू क्या है यहाँ पर सिग्मा, वो तीन क्या है लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एस पी थ्री डी, आया समझ में। अब हमें एक अगला एग्जाम्पल करना है, वो है PCl4+, ठीक है, इसमें क्या है कि देखो फॉस्फोरस है उसमें कितने होते हैं, नाइट्रोजन के नीचे आता है, उसी फैमिली में है, तो पांच इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक प्लस मतलब चला गया, तो कितना हो जाएगा, चार, तो फॉस्फोरस के आगे कितने डॉट बनाओ मैं, चार, एक दो तीन चार, क्लोरीन कितने हैं, चार, सिंगल बॉन्ड से इनको जोड़ दो, एक दो तीन चार, क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा प्लस जीरो लोन पे, लोन पे नहीं है, तो चार आया, तो चार क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट एग्जांपल जो है हमारे इस वीडियो का, वो है SO3 माइनस टू, जो सल्फर होता है उसमें कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, छह, दो रेड हो गए तो कितने हो गए, एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, तीन, ऑक्सीजन हमेशा जुड़ती है कितने से, कितने बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, एक दो तीन, एक लोन पेयर, जेड की वैल्यू क्या जाएगी, जेड की वैल्यू जो है एक सिग्मा दो सिग्मा और तीन सिग्मा प्लस वन लोन पेयर, फोर, फोर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ट्रिक यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।